हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ टिप्स। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता है कि अब दोस्तों 31 मई बहुत ही नज़दीक है और यहाँ पे बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं इस US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करोगे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ दोस्तों आपके डाउट क्लियर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हर एक चीज़ कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं हो पाती है आपको समझाना। तो ये एक सेपरेट वीडियो है उनके लिए जो क्रिएटर अभी तक US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं फिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है वो क्या करें। दोस्तों, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है उनको दोस्तों बाद में ये एक मौका मिलेगा अपने चैनल का US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरने के लिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जिनका चैनल मोनेटाइज है वहाँ पे उनको एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका चैनल तो मोनेटाइज है बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को लेके वो कन्फ्यूज़ हैं कि एडसेंस अकाउंट किसी और नाम पे है और बैंक अकाउंट एडसेंस से किसी और का ऐड है। तो दोस्तों, उनको ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म है वहाँ पे किसका नाम होगा, जिसके बैंक अकाउंट में इनकम आ रही है उसका या जिसके नाम पे एडसेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आप मुझे बताओ आपको क्या सही लग रहा है कि US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म किसके नाम पे फिल होना चाहिए, जिसके अकाउंट में पेमेंट आ रही है या जिसका गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर सिंपल सा है कि जिसके नाम पे गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है उसी का दोस्तों US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप होगा। क्योंकि दोस्तों, जो एडसेंस अकाउंट होता है वो ट्रांजैक्शन के लिए ही फिल होता है, बैंक अकाउंट आप किसी का भी डाल सकते हो, बस मेन पार्ट ये होता है इस पूरे एडसेंस अकाउंट का कि एडसेंस अकाउंट किसके नाम पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म उन्हीं के नाम पे भरना है जिनके नाम पे एडसेंस अकाउंट क्रिएट है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जिनका चैनल मोनेटाइज है वो जब ये फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों जो आर्टिकल और पैराग्राफ जो सेलेक्ट करने का नीचे ऑप्शंस आता है उस पूरे ट्यूटोरियल में जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे वो उनको एरर शो कर रहा है, वो आर्टिकल को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो केसेस हैं ये ज़्यादातर दोस्तों स्मार्टफोन के केस निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप पीसी के थ्रू इस फॉर्म को सबमिट करते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप पीसी से इसको फिलअप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप दोस्तों किसी और के पीसी से इसको फिलअप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादातर प्रॉब्लम स्मार्टफोन की ही है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि उनका जो एडसेंस अकाउंट है वो किसके नाम पे है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी चेक करना बहुत इजी है, आप सिंपली 2 स्टेप्स में अपने सेटिंग्स में जाके देख सकते हो कि किस नाम से आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट है। तो दोस्तों, वो भी मैं आपको अभी आगे लैपटॉप की स्क्रीन पर बता देता हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपका एडसेंस अकाउंट किस नाम से क्रिएट है तो उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एडसेंस, और यहाँ पे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट खोल लेना है अपने उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये रीडायरेक्ट हो गया एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट है, अगर मुझे जानना है कि ये किसके नाम पर, मतलब ये किसका अकाउंट है, तो यहाँ पर आपको ये चेक करने के लिए सिंपली आना है पेमेंट वाले ऑप्शन पे। नीचे आप देख सकते हो आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो योर अर्निंग और ये सारे ट्रांजैक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो नीचे दोस्तों एक ऑप्शन आता है हम लोग के सामने जिसका नाम है सेटिंग्स। तो इस सेटिंग्स वाले कॉलम पर एक नाम लिखा है और वो नाम आप देख सकते हो उसके आगे लिखा है 1 यूज़र। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो नाम है इसी नाम से आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट है। तो देखा आपने कितने इजीली हम लोग ने पता कर लिया कि ये अकाउंट किस नाम पे है। तो अगर आपको ही जानना है कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट किस नाम पे क्रिएट है तो इस पेमेंट वाले ऑप्शन पे आके आप इस सेटिंग्स में देख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों एक और भी बात सामने आती है कि बहुत से ऐसे भी क्रिएटर हैं जिनको यही नहीं कंफर्म पता है कि उनके एडसेंस अकाउंट में फॉर्म सबमिट है कि नहीं। तो दोस्तों, वैसे तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपके अकाउंट से सबमिटेड है कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही ईजी कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको आगे लैपटॉप में अभी शो करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है मेरा एडसेंस अकाउंट और टॉप में अभी भी वो US टैक्स फॉर्म का जो रिमाइंडर है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि आपके एडसेंस अकाउंट से वो फॉर्म फिलअप हुआ है कि नहीं तो उसके लिए आपको ऊपर 3 ऑप्शन मिलते हैं इस रिमाइंडर में। एक तो पहला है मैनेज टैक्स इन्फो, दूसरा है लर्न मोर और थर्ड है डिसमिस। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
मैनेज टैक्स इन्फो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपका फॉर्म सबमिट होगा तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होगा आपके सामने, जहाँ पे लिखा होगा स्टेटस अप्रूव्ड। मतलब ये जो आप देख सकते हो जो फॉर्म है ये अप्रूव्ड है, और नीचे जो भी 3 आर्टिकल थे वो सब क्लेम्ड हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबमिटेड डेट है 11 मार्च, और सबमिटेड बाय नाम लिखा है, वही नाम लिखा है जिससे गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों ये जो फॉर्म टाइप है वो W8BEN है, जो इंडिविजुअल के लिए होता है। तो ये फॉर्म मेरा यहाँ पे सबमिट है। और यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपके साथ बात करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जिनका चैनल मोनेटाइज है वो कैसे फॉर्म भरेंगे, और जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है वो क्या करेंगे। तो ये दोनों चीज़ पे दोस्तों हर एक क्रिएटर टॉपिक कवर कर रहा है कि चैनल जिनका मोनेटाइज है वो कैसे फॉर्म भरेंगे, उनके लिए तो पूरा ट्यूटोरियल ही है, और जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है उनको 1 जून के बाद नोटिफिकेशन आएगा। बट यहाँ पे दोस्तों बहुत से क्रिएटर ऐसे भी हैं जिनका चैनल ना ही प्रॉपर मोनेटाइज है ना ही प्रॉपर डीमोनेटाइज है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं दोस्तों जिन्होंने चैनल अंडर रिव्यू में भेजा, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ, बट यहाँ पे एडसेंस अकाउंट जो होता है वहाँ पे उनका कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ना ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना ही एड्रेस वेरिफिकेशन। तो ये दोस्तों जो ऐसे क्रिएटर हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे दोस्तों उन्होंने अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लिया गूगल एडसेंस का, बट यहाँ पे इनके पास पैन कार्ड नहीं है, जिसके कारण अभी एड्रेस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है ना ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि जो भी एडसेंस अकाउंट होता है जिस नाम पे, उस नाम का एक आइडेंटिटी लगती है और उस आइडेंटिटी से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ये जो US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म है यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है। जैसे कि आपको पता है ये जो पैन कार्ड नंबर होता है, जो पैन नंबर होता है वो आपको इस US टैक्स में फिल करना है, और ये जो पैन नंबर होगा वो भी दोस्तों उन्हीं का होगा जिनके नाम पे एडसेंस अकाउंट है। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई है ऐसे क्रिएटर से जिन्होंने अपने चैनल में गूगल एडसेंस में अपना नाम डाला है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के दोस्तों ये US टैक्स फॉर्म भरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैन कार्ड डालना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में दोस्तों अब वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना पैन दे दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों वो एक काम कर सकते हैं जो मेरी एक एडवाइस है, यहाँ पे दोस्तों आपको एक थोड़ा लेंथी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपका अभी आइडेंटिटी वेरीफाई हुई है ना ही एड्रेस वेरीफाई हुआ है उस एडसेंस अकाउंट से। तो दोस्तों एक ही नेम पे दो एडसेंस नहीं बनते हैं जैसे कि आप सबको पता ही है। तो आप चाहते हो अगर US टैक्स फिल करना तो आपको दोस्तों दूसरे नाम पे किसी और घर के मेंबर के नाम पे एडसेंस अकाउंट बना के अपने YouTube चैनल से लिंक करना पड़ेगा, तभी जाके दोस्तों आप इस US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आपका US टैक्स फॉर्म फिल करना है तो आपको सीधे नाम चेंज करना पड़ेगा, जिनके पास पैन कार्ड हो उनके नाम पे एडसेंस अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे एंड यूजफुल वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।